थर्ड ईयर बॉटनी में थर्ड पेपर। इससे लास्ट वीडियोज में हमने बताया था आपको, उसको आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे सॉयल एंड वाटर रिसोर्सेज। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सॉयल क्या है, ये यानी सॉयल कैसे बनती है। देखो ये हमने लिखा है, सॉयल का फॉर्मेशन बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा होता है जिन पर एनिमल्स आश्रित रहते हैं। सॉयल में बहुत से प्रकार के मिक्सचर पाए जाते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंसेस, जो कि अर्थ क्रस्ट की टॉप मोस्ट लेयर की फॉर्मेशन करते हैं। सॉयल में डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये होगा मैटर, तथा माइक्रोब्स डिकम्पोस्ट का काम करते हैं। डिकम्पोजर का वर्क करते हैं। सॉइल को प्लांट्स ग्रोथ के लिए यूजफुल बनाते हैं। सभी फिजिकल तथा केमिकल तथा बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा सॉइल लेयर की फॉर्मेशन होती है। मतलब जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, और उसके लिए उस सॉइल से प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। अब प्रश्न उठता है, इसकी उत्पत्ति या फॉर्मेशन कैसे होती है। तो देखिए, इसकी पूरी प्रोसेस को हम दो पार्ट्स में कंप्लीट करके स्टडी करते हैं। पहला है वेदरिंग प्रोसेस और दूसरा है सॉइल डेवलपमेंट या पीडोजेनेसिस। तो फर्स्ट देखिए वेदरिंग प्रोसेस, इसमें क्या है, कठोर रॉक्स को विभिन्न प्रकार के फिजिकल, केमिकल तथा बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा एक्सपोज किया जाता है, जिसमें एक्शन ऑफ वाटर, टेम्परेचर, ग्लेशियर्स, हीटिंग, कूलिंग, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, कार्बोनेशन इत्यादि प्रोसेस द्वारा रॉक्स की लेयर छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में सॉइल की फॉर्मेशन करती है। रॉक्स में केमिकल फिजिकल कंपोजिशन एटमॉस्फेयर में उत्पन्न होने से कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, ब्लूग्रीन एल्गी तथा ब्रायोफाइट्स ग्रो होते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस में लाइकेंस, ये है बॉर्नर रॉक या बैरन रॉक, बंजर रॉक्स से अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। ये रॉक्स सरफेस पर ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वेदरिंग प्रोसेस को बढ़ावा देती है। अब देखिए नेक्स्ट आता है सॉइल डेवलपमेंट या पीडोजेनेसिस। ये कौन सी है स्टेप आपकी, दूसरी। फर्स्ट में आपने वेदरिंग पढ़ा था और इसमें पीडोजेनेसिस यानी कैसे बनती है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, वेदरिंग के समय, जो पहली प्रोसेस थी वेदरिंग के समय, रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटकर नीचे गिरती है। छोटे छोटे पार्टिकल्स में नीचे गिरेगी, फिर क्या होगा, परंतु इसमें प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें अभी काफ़ी चेंजेज होंगे। क्या होंगे चेंजेस? जो एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होगा और पीडोजेनेसिस प्रक्रिया कहलाती है। मतलब छोटे छोटे चेंजेज होकर के एक ऐसी रॉक्स बनती है जो या जिसमें प्लांट्स ग्रो हो सकें, उस प्रोसेस को पीडोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई तथा अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम्स तथा ऑर्गेनिक, ये होगा मैटर,
ऑर्गेनिक मैटर उत्पन्न करते हैं। उसके बाद बेदरिंग रॉक्स ट्रूसॉइल से या ट्रूसॉइल में परिवर्तित हो जाती है, जिसमें बहुत सी, ये की शब्द है, बहुत सी कार्बनिक कंपाउंड और डेड, क्या लिखा है ये, डेड ऑर्गेनिक मैटर तथा लिविंग ऑर्गेनिज्म भाग लेते हैं। इसको डेड मीन्स मृत, कार्बनिक पदार्थ और लिविंग ऑर्गेनिज्म भाग लेते हैं, जिसमें बैक्टीरिया एंड वायरसेज और फंजाई आ जाते हैं, तो ये कहलाती है आपकी पीडोजेनेसिस प्रोसेस, सॉयल फॉर्मेशन में सेकेंड टाइप्स। अब इसी से जोड़ करके एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सॉयल कितने प्रकार की होती है, तो हमने अलग से हेडिंग डाल दिया है इसका, टाइप्स ऑफ सॉयल, सॉयल के प्रकार। देखो इसमें क्या है, सॉयल फॉर्मेशन के आधार पर, यानी जब सॉयल बनती है, जब फॉर्मेशन होती है, इस आधार पर ये निम्न दो प्रकार की होती है, जो किस पर डिपेंड करती है, मिनरल मैटर की उत्पत्ति के आधार पर निम्न प्रकार की सॉयल मिलती है, एक रेसिड्यूअल और दूसरी ट्रांसपोर्टेड, दोनों लिखे हुए हैं, ट्रांसपोर्टेड एक स्थान से जाकर के दूसरे स्थान पर सॉयल की फॉर्मेशन करना, रेसिड्यूअल वहीं पर उसी जगह इकट्ठी होकर के फॉर्मेशन करना। तो सबसे पहला आप हेडिंग देखिए इसमें, रेसिड्यूअल सॉयल क्या होता है, इस प्रकार की सॉयल बेदरिंग तथा पीडोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस द्वारा बनती है या उत्पन्न होती है। अब ये क्या है, पीडोजेनेसिस एंड बेदरिंग, ये आपने लास्ट उसमें पढ़ा था अभी इससे पहले, इन्हीं प्रोसेस के द्वारा सॉयल की फॉर्मेशन होती है और उस जगह बनती है जहाँ पेरेंट मैटर जैसे रॉक, चट्टाने होती हैं, हमने बताया भी स्टार्ट करने से पहले, रेसिड्यूअल उसी जगह बनेगी इकट्ठी होकर के, ट्रांसपोर्टेड दूसरी जगह जा कर के उत्पन्न होगी। अब देखो इसमें, जहाँ पेरेंट मैटर रॉक्स, सभी सॉयल्स की फॉर्मेशन रॉक से होती है, तो इसका पेरेंट कौन सा हुआ, रॉक्स यानी चट्टाने, उसी स्थान पर उत्पन्न होगी। और सेकेंड आपका है ट्रांसपोर्टेड सॉयल, ये कैसी होगी, इस प्रकार की सॉयल ट्रांसपोर्टेड होकर अन्य दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। अभी हमने बताया कि इस प्रकार की सॉयल की फॉर्मेशन एक स्थान पर ना होकर के दूसरे स्थान पर जाएगी, जो उस रेसिड्यूअल सॉयल से अलग है, रेसिड्यूअल वहीं पर होगी जहां पेरेंट सॉयल है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पहुंचती है। ये विभिन्न प्रकार के स्थान वे होते हैं जहां सॉयल फॉर्मेशन कंप्लीट होती है और एक स्थान से दूसरे स्थान को सॉयल बहुत से एजेंट्स द्वारा ट्रांसपोर्टेड होती है, यानी पहुंचती है, जैसे जैसे में देखिए क्या है ये, कोलाइड सॉयल, ये गलत है, यहाँ पर होगा एल्यूवियल सॉयल, एल्यूवियल सॉयल किसके द्वारा होगी, ग्रेविटी द्वारा, तथा एल्यूवियल सॉयल रनिंग वाटर द्वारा, तथा ग्लेशियल सॉयल ग्लेशियर के छोटे छोटे मासेज द्वारा, ग्लेशियर क्या होते हैं, जो आइस की बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं, चट्टाने होती हैं कह सकते हो, उन्हें कहते हैं ग्लेशियर्स, के छोटे छोटे मासेज द्वारा, कोलियन सॉयल किसके द्वारा, हवा द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे हवा के साथ मिट्टी उड़ करके गई और एक स्थान पर जाकर के जमा हो गई, तो ये भी ट्रांसपोर्टेड, मतलब एक स्थान से हट करके दूसरे स्थान को पहुंचना। फिर क्या है, ये सॉयल के
कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइमेट, कितना अच्छा शब्द है ये, सॉयल के प्रकार, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइमेट वेजिटेशन, VEGETATION, वेजिटेशन डाटा जिसको हम कहेंगे, तथा सॉयल मॉर्फोलॉजी के आधार पर होते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेड सॉयल को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट थे थॉर्प, थॉर्प एंड स्मिथ। इन्होंने 1949 एंड 49 द्वारा क्या किया, सॉयल तीन प्रकार की बताई। किसने, ये जो साइंटिस्ट थे स्मिथ और थॉर्प ने, कौन सी वाली सॉयल जो एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसपोर्टेड होती है, क्या बताया, जोनल सॉयल, इंट्रा जोनल और ए जोनल सॉयल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर के इसको डाउनलोड करके अध्ययन करें। खूब पूछी जाती है कि सॉयल की फॉर्मेशन कैसे होती है और कितने प्रकार की होती है, तो इसको हमने बहुत डिटेल में समझाया है, लिखा भी है इसमें। तो ये जो साइंटिस्ट थे इनके आधार पर कितने प्रकार की बताई इन्होंने, तीन। पहला कौन सा है, जोनल सॉयल, दूसरी इंट्रा जोनल और तीसरी ए जोनल। क्या है इसमें, देखिए, ये सॉयल कई जोन्स के रूप में डिवाइड होती है, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन है इसके लिए ऐसे भी पूछा जा सकता है, सॉयल प्रोफाइल क्या होता है। तो एक हम आपको बताएं, जैसे मान लीजिए ये सॉयल सरफेस है, तो इसमें कई सारी लेयर्स होंगी और सबसे लास्ट में जाकर के नीचे वाटर होगा जहाँ पर सॉयल पार्टिकल्स होंगे। तो इसकी पूरी लेयर्स का अध्ययन सॉयल प्रोफाइल कहलाता है। इसमें सबसे पहला है आपका ओ होरिजोन, यानी फर्स्ट लेयर द ओ हॉरिजॉन। पहली लेयर क्या है, इस लेयर को हम ऑर्गेनिक हॉरिजॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मात्रा बहुत अधिक होती है, कार्बनिक पदार्थ बहुत अधिक होते हैं। इसमें लिखा भी है हमने, ये ऑर्गेनिक हॉरिजॉन भी कहलाती है, जिसमें मिनरल मैट्रिक्स, डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ये दो सब लेयर ओथ एंड ओ टू, यानी कौन कौन सी, पहली ओ वन और दूसरी ओ टू में डिवाइड होती है, जिनमें डेड ऑर्गेनिक मैटर, मेटल नहीं, मैटर यानी पदार्थ, मैटर तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड ब्लूग्रीन एल्गी उपस्थित होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये लेयर प्लांट्स के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि इस लेयर में ऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं जिसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखो सेकेंड, ए होरिजोन, इसमें क्या होगा, इस क्षेत्र में ऑर्गेनिक मैटर सबसे अधिक होंगे। इस जोन में रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो करती हैं और ये टॉप सॉइल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट बी होरिजोन, इसमें क्या होगा, इस क्षेत्र में कुछ एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से होंगे, आयरन, इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, Fe, एल्यूमिनियम, मैग्नीज तथा अन्य ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं ये ए होरिजोन के ठीक नीचे प्रेजेंट होती है। कौन सी, बी, सबसे ऊपर कौन सी होगी, ए ओ एंड बी, इस तरह से ये होंगी। तो इसमें
इसके ठीक नीचे उपस्थित होती है। ये डार्क कलर्ड सॉयल होती है। अब आ जाता है इसी क्रम में सी हॉरिजोन, नेक्स्ट लेयर। इसमें क्या होगा? इसमें मिनरल हॉरिजोन्स के नाम से भी जानी जाती है, मतलब इसमें मिनरल्स की मात्रा अधिक होने के कारण सी हॉरिजोन को मिनरल हॉरिजोन के नाम से भी जानते हैं। इसकी फॉर्मेशन ये लिखा है FOR, फॉर्मेशन इन कंप्लीटली वेदर्ड रॉक ऑफ लार्ज मासेज द्वारा होती है। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा ई द आर होरिजोन। ये क्या होगा? ये कैसी होगी? अनवेदर्ड पेट रॉक में उपस्थित होती है, जिसमें कलेक्टिंग पावर अधिक होती है। सॉइल प्रोफाइल निम्न फाइव फार्म में होते हैं, कौन कौन से? एक आपकी डिजर्ट सॉइल, इसमें क्या होगा? डिजर्ट सॉइल में सॉइल देखो क्या लिखा है, हॉट ड्राई क्लाइमेट। दूसरी ग्रासलैंड सॉइल, ये कैसी होगी? सेमी एंड क्लाइमेट। और ये होगी डेसिडुअस फॉरेस्ट सॉइल, इसमें ह्यूमिड माइल्ड क्लाइमेट होगा। चौथी होगी ट्रॉपिकल, इसमें रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सॉइल, इसमें ह्यूमिड ट्रॉपिकल होगी। फिर इसको आप अब ऐसे देखिए, ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसके बाद फिफ्थ कोनीफेरस फॉरेस्ट सॉइल, ह्यूमिड कोल्ड और क्लाइमेट्स होगा। इसके बाद एक सॉइल के क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखो एक तो ये होगी, इसमें मिनरल मैटर होगा। मिनरल मैटर होगा कौन कौन से होंगे? मिनरल मैटर्स रॉक मैटेरियल्स के वेदरिंग पर डिपेंड करता है, जिसमें मिनरल पार्टिकल्स बहुत से प्रकार के बहुत से गुण शो करते हैं, तथा इनमें साइज के आधार पर पार्टिकल्स का नाम विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड और कोर्स सैंड, तथा स्टोन्स एंड क्ले। इस प्रकार से बहुत से साइज के मिनरल्स पार्टिकल सॉइल में पाए जाते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के साइज पार्टिकल्स के आधार पर सॉइल के समूह बन जाते हैं, जैसे टेक्सटर ग्रुप, जिसमें क्या होगा, सैंडी सॉइल होगी, और लोमी सॉइल, इसमें क्या होगा, लोम सॉइल तथा सिल्ट सॉइल, ये इंक्लूड होती हैं, इसमें सभी पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ सॉइल की सैप, सैप मीन्स साइज, प्रिज्म लाइक होता है, और प्लेटी स्फीरॉयड मतलब प्लेट के आकार की, गोलाकार और ग्रेन्यूलर दानेदार टाइप की उसमें पाए जाने वाले छिद्रों के आधार पर होती है। जैसे मान लीजिए ये ग्रेन्यूल्स सॉइल पार्टिकल्स हैं, तो इसमें ये छिद्र बन जाएंगे, तो इस आधार पर होती है, तथा ये छिद्र मिनरल पार्टिकल्स के मध्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा सॉइल एयर। ये क्या होगा? हम जानते हैं कि मिनरल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस पाया जाता है, जैसा अभी हमने आपको बनाकर दिखाया था ये वाला, तो ये स्पेस होगा। इस स्पेस में क्या चीज होगी? बहुत से प्रकार की गैसियस लिक्विड भी होंगे, या केवल गैस होगी, या केवल लिक्विड तरल पदार्थ पाए जाएंगे, जो प्लांट एब्जॉर्ब करके
प्लांट्स के विभिन्न भागों को पहुंचाते हैं। अब आ गया सॉयल वाटर। ये आप कह सकते हो जो रूट सबसे नीचे जाती हैं, तो जो सॉयल पार्टिकल्स के मध्य में नमी होगी उसको एब्जॉर्ब करती हैं। क्या है सॉयल वाटर? इसका सोर्स मेन रूप से प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल, जो बरसात होगी वही भूमि पर आकर के पहुंचता है और सी ओसिन इत्यादि में कलेक्ट हो जाता है, तथा कुछ वाटर भूमि में नीचे चला जाता है जिसको प्लांट्स अपनी रूट्स द्वारा एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये वाटर सॉइल में कई रूपों में पाया जाता है जो निम्न फॉर्म में होता है। पहला कौन सा है? हाइड्रोस्कोपिक वाटर, नहीं हाइग्रो होगा ये, सॉरी हाइग्रोस्कोपिक वाटर, दूसरा कैपिलरी वाटर जिसको अधिकांश प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरा ग्रेविटेशनल वाटर, और फोर्थ कंबाइंड वाटर, और लास्ट वाटर वेपर। ठीक, तो इसी सॉयल से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, सॉयल इरोजन। सॉयल इरोजन क्या होता है? मतलब प्रॉब्लम ऑफ सॉयल रिसोर्सेज। सॉयल इरोजन का मतलब है कि भूमि का कटाव होना, जो चरागाहों द्वारा या अधिक हवा द्वारा, बाढ़ द्वारा होना। अलग से भी पूछ लेते हैं सॉयल इरोजन तो क्या है। ये नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में सॉयल पर विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम पाए जाते हैं, तथा किसी भी इकोसिस्टम में सॉयल क्लाइमेट तथा लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को इंट्रैक्ट करते हैं। बहुत से प्रकार के प्लांट सॉयल में पाए जाने वाली न्यूट्रिएंट्स द्वारा उत्पन्न होते हैं। सॉयल फॉर्मेशन में जब सॉयल बनती है तो क्या होगा, क्लाइमेट मॉइस्चर मुख्य भूमिका निभाता है। सॉयल न्यूट्रिएंट्स लेवल चेंज होने से प्लांट ग्रोथ प्रभावित होती है और सॉयल डिग्रेडेशन उत्पन्न होता है। डिग्रेडेशन में सॉयल का क्षय होना, इस तरह से मान लो ये सॉयल लेयर है तो ये टूट करके क्षय होती जाएगी, डिकम्पोज होती, वो डिग्रेड होती चली जाएगी, जो साल्ट कंसंट्रेशन पर भी निर्भर करता है। ये सॉयल डिग्रेडेशन सॉयल इरोजन कहलाता है। ठीक है, अब सॉयल इरोजन में सॉयल की टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर रिमूव हो जाती है प्लांट ग्रोथ के लिए। इसी लेयर में सॉयल कंपाउंड या कंपोनेंट्स कर दो उत्पन्न होते हैं। ये लेयर लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई तक भूमि पर पाई जाती है। एक फर्टाइल सॉयल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म तथा इंसेक्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? यद्यपि सॉयल इरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है, फिर भी ये सॉयल फॉर्मेशन के लिए प्रॉब्लम उत्पन्न करती है। स्टॉप्ड सॉयल या फर्टाइल सॉयल का वेस्ट होना सॉयल इरोजन का कारण बनती है, जो कि पूरे क्या है, फर्टाइल सॉयल का वेस्ट होना सॉयल इरोजन का कारण बनती है, जो कि पूरे विश्व की बहुत बड़ी समस्या है। केवल 44% सॉयल कल्टीवेशन में यूज होती है, 56% अनफर्टाइल सॉयल पाई जाती है। सॉयल इरोजन का मेन कारण है पॉपुलेशन डेंसिटी का अधिक होना। इसके अलावा विशेष प्रकार के कल्टीवेशन द्वारा सॉयल प्रभावित होती है और क्षय होती है। इरोजन मीन्स क्षय होना। तो ये सॉयल की या सॉयल का क्षय होना कैसे, किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके लिए अलग से हेडिंग हमने डाल दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एजेंट्स ऑफ सॉयल इरोजन, मतलब कौन से एजेंट्स हैं जिनके द्वारा हमारी सॉयल क्षय होती है, कटती है।
तो देखो सॉयल इरोजन निम्न तीन द्वारा होगा। एक तो रनिंग वाटर, इसको हम समझाते हैं ये क्या है। जैसे मान लीजिए बारिश हुई और बारिश में जो वाटर भूमि पर आएगा वो अपने साथ में सॉयल पार्टिकल्स भी ले जाएगा। यही लिखा है, वाटर करंट के साथ क्या होगा, माउंटेन से सॉयल पार्टिकल्स या रॉक्स फ्रैगमेंट्स ट्रांसफर होते हैं और माउंटेन्स के ये पार्टिकल्स रिवर्स या किसी समुद्र में पहुंचकर बाढ़ उत्पन्न करते हैं, तो एक स्थान से सॉयल दूसरे स्थान को ट्रांसफर हो जाती है। किसके द्वारा, सॉयल वाटर द्वारा। दूसरा अंडरग्राउंड वाटर, इसमें क्या होगा, सॉयल में लाइमस्टोन पाए जाने के कारण कैल्शियम बाई कार्बोनेट पाए जाते हैं, जिसमें सॉयल सरफेस इररेगुलर हो जाती है जो कि सॉयल इरोजन का कारण बनती है। दूसरा सॉयल इरोजन का कारण क्या है, मूविंग आइस ग्लेशियर्स, जिसको हमने पिछले उसमें भी बताया था, जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वाटर करंट के साथ उसमें सॉयल पार्टिकल्स या रॉक पार्टिकल्स एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफर हो जाते हैं। इस ग्लेशियर्स के अलावा दूसरा क्या है, नेक्स्ट हवा बाइंड। ये क्या होगा, आपने देखा हो बहुत तेज हवा चलती है, आंधी वगैरह आती है, तो सैंड पार्टिकल्स एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके कारण कहीं कहीं बहुत बहुत बड़े टीले बन जाते हैं। सबसे ज्यादा इस प्रकार का सॉयल इरोजन कहाँ होगा, राजस्थान में होगा, क्योंकि वहाँ रेत की मात्रा अधिक होगी। दूसरा समुद्र की लहरें, सी वेव्स। सी वेव्स के द्वारा भी सॉयल इरोजन कोस्टल रीजन्स तथा किसके द्वारा, बीचेज पर, बीच जानते हो समुद्री किनारे होते हैं, पर पाया जाता है। तो इस वीडियो में आपने सॉयल क्या होती है इसके बारे में पढ़ा। एक बार हम लिख देते हैं, सॉयल क्या होती है इसको इंट्रोड्यूस किया, इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉयल और सॉयल प्रोफाइल और सॉयल इरोजन, मतलब मिट्टी में जो भी चीजें सॉयल्स में उत्पन्न होंगी उससे पूछे जाने की संभावना 3 बेज में होती है। इस टॉपिक में 3 क्वेश्चन बनते हैं कि सॉयल कितने प्रकार की होती है, दूसरा सॉयल बनती कैसे है, तीसरा सॉयल एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसपोर्टेड होती है, क्यों होती है, वहाँ की सॉयल क्षय हो जाती है, इसको सॉयल इरोजन के नाम से पूछते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉयल, सॉयल प्रोफाइल एंड सॉयल इरोजन, इनमें से आपसे पूछा जरूर जाएगा एक क्वेश्चन, जिसको आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जा करके डाउनलोड करके अध्ययन कर सकते हैं।